आज मैं हेरिटेज विलेज में आया हूँ, तो अभी यहाँ पर जा रहा हूँ विलेज में। आप लोग को विलेज में क्या क्या मिलेगा, क्या क्या सीन है यहाँ का, मैं आपको बताऊँगा। देखो, यहाँ नागालैंड कोहिमा का सिंबल बुल का होता है, ये यहाँ का बॉट है, हॉर्नबिल बॉट। तो यहाँ पर हॉर्नबिल के टाइम में यहाँ हॉर्नबिल मेला लगते हैं। यहाँ पर गेट पार करके अब ये चौराहे में आ चुके हैं। यहाँ से जो इसमें हेरिटेज बोलते हैं, यहाँ से ये इसमें हेरिटेज है। तो ये हॉर्नबिल का जो मेन गेट है, यहाँ से जो हेरिटेज इस जगह में पहुँच जाता है। ये पूरा सारा एक लकड़ी से बनाया हुआ है। देखो ये यहाँ जितना भी है एग्जीबिशन ये नागा करते हैं। तो इस गेट को इस तरह से दिखते हैं पीछे से जाने का रोड। तो गाइस, अभी हम रोडोडेंड्रंस रिसोर्ट जा रहे हैं। तो रिसोर्ट के अभी 200 मीटर है, तो आगे यहाँ पर अभी हॉर्नबिल के टाइम में होता है मेला, लेकिन अभी यहाँ पर कोई सुनसान है। ये बैम्बो प्रिवलेशन, ये है ये कमर्शियल हब। ये हम यहाँ पर पहुँचा है, तो अभी तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। देखिए इस तरह जो ऊपर में कितना अच्छा से नेचुरल पेड़ का पोल बनाया है यहाँ पर, ये देखिए। देखो फेस कितना क्लियर है। तो यहाँ भी इसी तरह बैठा हुआ विलेज है दिखाने के लिए, अलग से अलग जातिया का जो घर कैसे होता है। यहाँ से नीचे अब रिसोर्ट का जो पहले फेस है गेट, इस तरह से यहाँ से आते हैं एंट्री। गाइस, मैं फाइनली रोडोडेंड्रन रिसोर्ट में पहुँच चुका हूँ। तो अभी ये रिसोर्ट का जो ब्यूटिफिकेशन इस तरह से दिखिएगा। तो यहाँ बहुत साइड है, यहाँ से आगे का व्यू इस तरह से दिखता है। तो यहाँ नीचे में गाड़ी वगैरह पार्किंग करने के लिए इस साइड में। ये देखो कितना नेचुरल स्टेप है, सीढ़ी वगैरह है यहाँ से। तो जैसे यहाँ पर स्विमिंग पूल का है, ये रोडोडेंड्रंस का स्विमिंग पूल है यहाँ पर, जो यहाँ बच्चे भी खेल सकता है। ये भी है अगर नहाने के लिए ब्रिज। इस ब्रिज से ऐसे सवार करके हम यहाँ से भी फोटो खींच सकते हैं। यहाँ भी फाउंटेन भी है। तो इस तरह से अभी तो यहाँ इस्तेमाल कोई नहीं हो पा रहा है, और कितना नेचुरल तरीका से बनाया गया है ये सीढ़ी वगैरह है गाइस। यहाँ पर बहुत सब बढ़िया सब बनाया है। ये लॉज है यहाँ पर, जो रूम्स है यहाँ पर, ये भी एकदम वुडन का है, अलग अलग टाइप का। ये नंबर वन, ये है नंबर टू गेस्ट रूम। ये भी प्रॉपर नेचुरल तरीका से सेटेड है यहाँ पर, है ना। ये नंबर थ्री है, ये भी, ये है लास्ट में नंबर फोर। यहाँ पर
काफ़ी नागा टेक्चर दिया है, तो एक एक करके देखा जाए तो अच्छी तरह से जो नेचुरली करने का कोशिश किया है। यहाँ से इस तरह से व्यू दिखते हैं और भी अच्छी तरह से बन रहा है यहाँ पर। तो ये देखिए यहाँ से जब नीचे की तरफ आता है तो बिल्कुल नेचुरली है यहाँ पर। यहाँ पर हर चीज़ ऑर्गेनिक मिलता है आपको, यहाँ पर खाने पीने का इस्तेमाल है हर चीज़। ये देखो यहाँ से देखने में ग्रेट वॉल ऑफ चाइना की तरफ लगता है, लेकिन इस इलाके में भी इस तरह से बनाया है कि यहाँ से, तो ये देखो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट है, तो इस तरह से आप फोटो भी खींच सकते हैं यहाँ पर। रोडोडेंड्रन रिसोर्ट है ये, बहुत बढ़िया। थैंक यू गाइस। ये हमारा, आपका नाम क्या है? ओके ओके ओके, आप नागालैंड से? ओके थैंक यू। आप ये रोडोडेंड्रन रिसोर्ट है यहाँ पर, ये बैठने का इस तरह से है, तो सीटेड। ये रोडोडेंड्रन गेस्ट रूम के लेआउट है और सीटिंग प्लान इनका इस तरह से है, तो देखो कितना अच्छा से और क्लियर है। देखिए यहाँ पर बिल्कुल नेचुरली है, यहाँ अलग अलग कलर्स में अलग अलग टाइप में जो कलर मैनेज करके लगाया है यहाँ पर। अभी इस वक्त अभी शाम हो चुके हैं, अभी यहाँ पर तो खाने के लिए कोई नहीं है, लेकिन बहुत बढ़िया है यहाँ पर। अभी हम फाइनली यहाँ से निकल रहे हैं, तो इनका एंड ऑफ द गेट ये है, इनका जो ये सिंबल है तो बुल्स का होते हैं, ये बुल्स का कितना नेचुरली लग रहा है अभी देखिए गाइस। देखिए ये इनका यहाँ पर लकड़ी का बनाया हुआ है, हर चीज़ लकड़ी का बनाया है इनका। देखो तीनों आर्ट्स कितना अच्छी तरह से, कितना मेहनत लगे हुए बनाने में। देखिए गाइस हेरिटेज ऑफ नागालैंड इसी को बोलते हैं। अभी हम हेरिटेज विलेज से हम अभी वापस निकल रहे हैं। देखो ये गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड का अंडर में आते हैं, यहाँ पर लोगों जो 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक यहाँ पर हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाते हैं। हर तरह से क्रिएटिविटी इस तरह से बनाया गया हेरिटेज विलेज। देखो यहाँ का गेट, अजीब सा गेट होते हैं इस तरह से,